तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये मेरा फर्स्ट फेस टू फेस ब्लॉगिंग है। और जैसे कि मैंने अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है और जस्ट अभी ही मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है। तो ये है कि जब मैंने फर्स्ट ब्लॉगिंग किया और जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था उसी दिन मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग था। और आपने मेरा फर्स्ट ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैं हमेशा ये बार बार यही बोल रही थी कि आज का डे बहुत लकी है, आज से नवरात्रि भी चालू है और इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। तो हमने किया ब्लॉगिंग, उसके बाद मतलब सुबह से ही मुझे पता था कि आज मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग है। तो शुरू से ही और सुबह से ही मैं सारे अपने मोमेंट्स को कैप्चर कर रही थी। और मैंने सोचा आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो मैच की भी थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग कर लेंगे। और बस यही सब सोच के मैं इतना खुश थी। लेकिन फिर हमने ब्लॉग किया, फिर मैंने अपना ब्लॉग डाला। जब मैंने यूट्यूब में अपने ब्लॉग को अपलोड किया तो जब कंप्लीट हुआ उसका प्रोसेस तो उसमें आ गया कॉपीराइट क्लेम। अब कॉपीराइट क्लेम आ गया, कोई नॉलेज नहीं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। बट ये था कि जब मैंने अपलोड किया तो नीचे उसमें लिखा हुआ था कि कॉपीराइट क्लेम। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा यार अभी इतनी खुशी खुशी इस बात की थी कि मैंने अभी अपना फर्स्ट ब्लॉग है वो अपलोड किया है। समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हूँ या दुखी हूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत गूगल किया, फिर पता किया कि कॉपीराइट क्लेम आ गया है। उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था, फिर मैंने वो चीज़ डिलीट किया। फिर से वो अपना जो पूरा अपलोड किया था मैंने वीडियो वो मैंने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद अगेन से जहाँ कॉपीराइट आया था तो फिर मैं गई, मैंने चेक किया कि कहाँ कॉपीराइट आया था। तो क्या हुआ था कि मैच के टाइम पे मैंने बहुत बार जो हॉटस्टार पे मैच हम देख रहे थे वो मैंने उसकी क्लिप मतलब उसकी क्लिप की थोड़ी सी वीडियो बना ली, उसमें जो वॉइस आ रही थी मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की थी। तो मुझे ये सब नहीं पता था कि कॉपीराइट में आप जैसे कि जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं या आप किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते, उन्होंने कॉपीराइट क्लेम लगा के रखा हुआ है। तो मैंने हॉटस्टार का किया था तो वो पूरा जितने भी वो क्लिप हॉटस्टार के थे मैच के थे जिसमें पूरा आवाज़ आ रही थी साउंड की, वो सब में कॉपीराइट लगा हुआ था। तो फिर मैं कॉपीराइट के ऑप्शन पे गई तो वहाँ हमें तीन ऑप्शन आ रहे थे। आप उसको म्यूट कर सकते हो, है ना, और रिप्लेस कर सकते हो सॉन्ग को। लेकिन तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था और मैंने वो डायरेक्टली डिलीट कर दिया वो जो मैंने फर्स्ट अपना ब्लॉग अपलोड किया था। उसके बाद मैंने अगेन से पूरा प्रोसेस किया, फिर से उसको मैंने एडिट किया, फिर वीडियो किया, फिर डाला, फिर कॉपीराइट नहीं आया। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग था, मुझसे जो मिस्टेक हुई मैं नहीं चाहती कि आपसे भी वो मिस्टेक हो। मिस्टेक यही थी कि अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं मेरी तरह और आपको भी इतना नॉलेज नहीं है या आपके पास भी कोई ऐसा सपोर्ट के लिए नहीं है कि जो आपको ये बताए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सीढ़ियाँ एक साथ ही चढ़ जाते हैं। सीढ़ी चढ़ने में धीरे 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 टाइम लगता है, लेकिन जब हम वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ये है कि हम सीखते बहुत कुछ हैं। और मैं भी जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है अपनी तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि क्या कॉपीराइट क्लेम होता है, कैसे हमें अपना अकाउंट करना है, क्या नहीं करना है, कॉपीराइट आ गया है तो उसको हम सही कैसे कर सकते हैं, उसको हम सॉन्ग रिप्लेस भी कर सकते हैं। कॉपीराइट भी कई तरीके के होते हैं, तो कई ऐसे कॉपीराइट होते हैं जिसमें आपकी आईडी में कुछ भी नहीं होता, कुछ ऐसे कॉपीराइट होते जिनमें होता है। तो फिर मैंने वो एडिट किया तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि जैसे कि मैं हूँ आज मैं एक नई यूट्यूबर हूँ, तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो नए यूट्यूबर होंगे उनके उनको भी कॉपीराइट क्लेम लग जाता होगा लेकिन उनको इतना नॉलेज नहीं होता होगा। तो या तो वो अपनी मेरी तरह अपनी वीडियो ही डिलीट कर देते होंगे, या तो फिर हो सकता है कि अगर उन्हें कोई बता दे तो वो सही कर ले। मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो मिस्टेक मुझसे हुई है अगर मेरे इस वीडियो से किसी एक को भी हेल्प मिल सकती है तो वो मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मुझे ये नॉलेज भी किसी और का वीडियो देख के ही आया, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं मैंने उनका वीडियो देखा,
फिर मैं कॉपीराइट क्लेम को समझी, फिर मैंने चीज़ों को समझना चालू किया, फिर धीरे धीरे ब्लॉगिंग किया। तो यहाँ मुझे कॉपीराइट क्लेम लगा था, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कॉपीराइट क्लेम जो होते हैं आपका सॉन्ग के ऊपर लग जाता है या किसी ऑडियो के ऊपर लग जाता है, तो उसको हटाने की भी प्रोसेस होती है। और अगर बाय चांस, जैसे कि मैंने क्या था कि मुझे नहीं नॉलेज था तो मैंने डायरेक्ट डिलीट कर दिया, अगर आप डायरेक्ट डिलीट कर देते हो अपना वीडियो तो उससे आपकी आईडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ नहीं होता है। बट ये है कि जैसे कि उस पर्टिकुलर जो आपका वीडियो है उस पर कितने लाइक्स आए होंगे, कितने व्यूज़ आए होंगे, तो वो सब आपका फिर यूट्यूब डिलीट कर देगा। तो एक तरीके से आपका लॉस है। लॉस कब है कि आपने वीडियो डाल दिया और आपको एक साल हो गए, दो साल हो गए, या कुछ टाइम हो सकता है आपका वीडियो हो काफ़ी पॉपुलर हो तो वो एकदम से वायरल हो गया। अगर अब आपको पता है कि उस पर कॉपीराइट क्लेम है, और फिर अगर आप उसको ऐसे नॉलेज ना हो आपके पास, और अगर आप उसको डिलीट कर दें, तो फिर एक तरीके से आपको बहुत बड़ा लॉस है। वैसे में आपका अकाउंट भी नहीं रहेगा, वॉच टाइम भी नहीं रहेगा, आपके लाइक्स भी कम हो जाएंगे, और आप खुद सोचोगे यार कि मेरा जो इतना अच्छा वीडियो है जो आप चाहते भी नहीं थे डिलीट करना, और आपने वो डिलीट कर दिया। काश अगर मुझे नॉलेज होता तो मैं कॉपीराइट क्लेम को हटा सकता या हटा सकती थी। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन बी केयरफुल, और जो नहीं पता है लोगों से पूछो, लोगों से समझो, उसके बाद करो। क्योंकि जैसे कि मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग था तो मुझे भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुई थी, एक बार कॉपीराइट क्लेम आया। फिर एक मेरा एक ब्लॉगिंग था, उसमें मैं नवरात्रि का टाइम है तो मैं आरती कर रही थी, आरती करते टाइम मैंने सलाली माता जी की आरती, तो मेरे आरती में बैकग्राउंड में पीछे माता जी की आरती चल रही थी, माता जी की आरती चल रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें भी कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा, क्योंकि आरती जो थी वो उसकी जो वॉइस थी वो मेरे आरती में आ गई, और जब मैंने वो अपलोड किया फिर से कॉपीराइट क्लेम आ गया। मैंने बोला यार कॉन्टेंट पूरा मेरा है, और ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, मैंने कहीं किसी का कुछ भी चीज़ कॉपी नहीं किया, या किसी का वीडियो किया हो या किसी का सॉन्ग किया हो, कुछ भी नहीं किया था, अब क्यों कॉपीराइट आ गया। फिर मैं उसकी डिटेल पे गई और मैंने उसकी डिटेल चेक की, फिर वो जो आरती का पार्ट था वो एक बड़े एल्बम से था, तो उन्होंने कॉपीराइट क्लेम किया था कि जो ये मेरा सॉन्ग है या तो आप ये डिलीट करो, या तो आप, मतलब अगर आप नहीं करना चाहते हो तो ऐसा भी है कि आप बाद में जाके इसका जो कुछ जितना भी पैसा बनेगा वो काउंट होगा और हाफ हाफ होता है, तो ये सब। तो फिर मुझे तब भी नॉलेज नहीं था, फिर मैंने उसको उस गाने को ही ख़त्म कर दिया, मैंने वहाँ से गाना ही रिप्लेस कर दिया। तो आप देखना मेरी ब्लॉगिंग में, पूरी ब्लॉगिंग में आपको आवाज़ आती दिखेगी, लेकिन जब आरती का टाइम हो रहा है माता रानी की तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। उसका यही रीज़न है, उस गाने पे कॉपीराइट क्लेम लगा था और मैंने वो गाना ही हटा दिया। तो उससे ये हुआ कि कॉपीराइट क्लेम था वो भी हट गया, एक नॉलेज मिला कि कैसे हमें कॉपीराइट क्लेम हटाना है, कैसे हमें हर चीज़ से नहीं डरना है। और मैं यूट्यूब इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा इनकम चाहिए, कुछ ऐसा, ये मेरा पैशन है और अच्छा है। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो ये सबसे अच्छी बड़ी बात है, तो सीखना बहुत मिल रहा है, और भी चीज़ें क्या है, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे आप मेरा फर्स्ट डे का ब्लॉगिंग देखना, उसमें बात करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी, मैं समझ नहीं आता था कि मैं क्या बोलूँ, अब कैमरे के सामने बोलूँ नहीं बोलूँ, ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। उस फर्स्ट ब्लॉगिंग में मेरी बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी, लेकिन उसके बाद सेकेंड ब्लॉगिंग किया, थर्ड ब्लॉगिंग किया, तो एक इंटरेस्ट आने लगा, इंटरेस्ट आते आते और जो मेरी गलतियाँ थी वो भी मैंने सही कर ली, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदे हुए, मैं थोड़ा बहुत सीखी भी, मेरा इंटरेस्ट भी आया, और लाइफ में हर चीज़ करते ही रहना चाहिए। तो बस यही था, मुझे आपको बताना था कि कॉपीराइट जो क्लेम है कोई बात नहीं, कहीं आ जाता है तो उसको हटाने के भी बहुत तरीके होते हैं, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कॉपीराइट क्लेम से कुछ नहीं होता है, कॉपीराइट क्लेम के भी ऑप्शन होते हैं, आप हटा भी सकते हैं और अपनी वीडियो को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट मत करिए क्योंकि उससे आपका ही लॉस है। आपके वीडियो पे कई लाइक्स आ जाते हैं, वॉच टाइम बढ़ जाता है ना, तो मत करिए डिलीट। बहुत दो तीन ऑप्शन जो आपको देता है यूट्यूब, आप उससे भी यूज़ करके अपने कॉपीराइट को हटा सकते हैं। तो बस
यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉगिंग, मेरा जो क्लिप था, मुझे बताना था कि मुझे फर्स्ट ब्लॉगिंग में क्या इशू आया था और मैंने कैसे उसको सही किया। और जो भी मुझे सब्सक्राइब किए हैं या जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे जो यूट्यूब के ब्लॉगिंग हैं अच्छे हैं, आपको अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, क्यों नहीं लगते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो बस आज का ये छोटा सा क्लिप जो था वो यही था कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, और कॉपीराइट जो आ जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आता रहता है यार, और आपको यूट्यूब भी ऑप्शन देता है, कोई बात नहीं। कॉपीराइट क्लेम को हटाने के भी कई तरीके हैं, कई कोर्सेज हैं, और ऐसे ही वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज लेने के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू।